एवरीवन, आई एम सुशील केसरी, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी, विद्या मंदिर क्लासेस, HAL कोरवा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इन द प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट एंड इन दोज लेक्चर्स वी हैव डिस्कस व्हाट आर द हीटिंग इफेक्ट्स of the electric current. Heat produced in any resistor depends on resistance, current and time. And electrical fuse के बारे में हम लोगों ने study किया था, MCB. What is MCB and what is its purpose, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने discuss किया हुआ है. Now electric current का एक और भी effect है, magnetic effect. तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि क्या कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है. तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें एक वायर लिया गया और एक कंपास लिया गया. सर्किट पूरा कंप्लीट किया गया कुछ इस तरीके से. सपोज ये एक वायर है, दिस इज वायर. सपोज ये यहाँ पे हम वायर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज द वायर. ये वायर ए बी है सपोज. अब इस ए बी वायर में एक ये बैटरी के थ्रू, सपोज ये बैटरी हमने कनेक्ट किया हुआ है, ये प्लस ये माइनस, और एक ये स्विच लगा रखा है ये ऐसे. ये वायर ए बी है और ए बी वायर के पास एक मैग्नेटिक कंपास लगा रखा है. ये डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए होता है. एक यहाँ पे इस पॉइंट पे एक मैग्नेटिक नीडल रहती है जो जो कि फ्रीली रोटेट कर सकती है इस पॉइंट के अबाउट. तो जब यहाँ पर ये स्विच एस ओपन है तो इस वायर ए बी में कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी. तो ये ऑब्जर्व किया गया कि देयर इज नो डिफ्लेक्शन ऑन द मैग्नेटिक कंपास. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर करंट नहीं है तो कोई भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है वायर ए बी. नाउ व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, जब स्विच एस को क्लोज किया गया तो क्या होगा, यहाँ पर करंट फ्लो होगी, सर्किट क्लोज्ड हो जाएगा. यहाँ पर करंट सपोज आई की फ्लो हो गई, फ्लो करेगी. ये बैटरी का ईएमएफ ई है. जब यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रही है तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है, इसका जो मैग्नेटिक नीडल है, ये डिफ्लेक्ट हो गया. सपोज क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हो गया, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है, इसकी वजह से ये जो वायर ए बी है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, या फिर इसके सराउंडिंग में एक फील्ड है जिसकी वजह से इस मैग्नेटिक नीडल पे फोर्स लग रहा है, ये रोटेट कर रहा है. तो इसी प्रूफ हुआ कि ये जो वायर ए बी है यहाँ पर, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है. नाउ अब थोड़ा सा चेंज किया गया एक्सपेरिमेंट में, ये जो बैटरी है उसकी पोलैरिटी को चेंज किया गया. मीन्स कुछ इस तरीके से, ये वायर ए बी था, ये वायर ए बी है, स्ट्रेट वायर है, ये कुछ इस तरीके का वायर है सपोज ए बी, और यहाँ पर ये बैटरी कनेक्ट किया गया. बट इस टाइम क्या है कि इसकी थोड़ा पोलैरिटी डिफरेंट कर दी, यहाँ पर ये ऐसे कर दिया, ये पोलैरिटी रिवर्स कर दी, पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया. और ये स्विच को यहाँ से क्लोज किया गया था, स्विच अभी भी क्लोज है कि करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है. तो अब इस वाले वायर में, ए बी वायर में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. अब करंट की डायरेक्शन जाएगी बी टू ए, ऐसे जाएगी, ये करंट ऐसे जाएगी.
करंट आई की फ्लो हो रही है सपोज। तो अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है वायर ए बी के पास, उसमें डिफ्लेक्शन तो हो रहा है, बट जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट हो रहा है, जो इस केस में हुआ था इसके अपोजिट हो रहा है। मीन्स अगर ये यहाँ पर जो नीडल है वो एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे इस तरीके से डिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर सपोज ये क्लॉकवाइज हो रहा था, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन हो रहा था, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन निकला, वो ये कि इस मैग्नेटिक ये जो वायर है, वायर में अगर हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दिया तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है सबसे पहले ऑब्जर्व किया हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने। सो दिस एक्सपेरिमेंट और दिस लॉ इज कॉल्ड एज द ऑर्स्टेड लॉ। ही शोड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। नाउ दे आर टुगेदर रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे के रिलेटेड हैं। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक मैग्नेटिक मैग्नेट्स। यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो हम उसका यूज मैग्नेट बनाने में कर सकते हैं। द मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाई द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू ए वायर विच इज वाउंड अराउंड ए मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रो मैग्नेट। मीन्स अगर हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट की वजह से हम मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या किसी सब्सटेंस को हम मैग्नेट बना रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेट। इलेक्ट्रो मैग्नेट्स आर टेम्पोरेरी मैग्नेट, ये टेम्पोरेरी मैग्नेट हैं। अगर हम करंट फ्लो कराना बंद कर दें यहाँ पर, तो उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा, या धीरे धीरे उसका मैग्नेटिज्म कम होता जाएगा। दे लूज देयर मैग्नेटिज्म व्हेन द करंट स्टॉप। तो जब करंट स्टॉप हो गया तो उसका मैग्नेटिज्म लूज हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बाई एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं कैसे, बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करेंट। करेंट अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का। बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर अराउंड ए मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल के सराउंडिंग में अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, सोलेनोइड। यहाँ पे एक सोलेनोइड है, सोलेनोइड कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह हम यूज कर सकते हैं। ए सोलेनोइड इज ए डिवाइस विच इज ए लॉन्ग इंसुलेटेड वायर। ये एक लॉन्ग इंसुलेटेड वायर है वाउंड अराउंड ए हॉलो मेटालिक कोर। वाउंड अराउंड ए हॉलो मेटालिक कोर, तो हॉलो मेटालिक कोर पर हम ये वायर्स जो है वाउंड कर देते हैं। इस टाइप से यहाँ पे दिखा भी रखा है। इट इज सिलिंड्रिकल इन शेप एंड प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन ए करंट इज मेड टू पास थ्रू द वायर। तो ये इसका जो शेप होगा वो सिलिंड्रिकल है, और अगर हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे दिखा रखी हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कुछ इस तरीके से जाएगी। अगर करंट ऐसे जा रहा है, करंट की अगर डायरेक्शन ये है, ऐसे ये यहाँ पे करंट इस तरीके से कॉइल में जा रही होगी, तो ये जो कॉइल है या ये जो सोलेनोइड है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से इस एंड से बाहर निकल रही। इसका मतलब ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और ये इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। ये सोलेनोइड दिस इज करंट कैरिंग वायर, और यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है। तो ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप्ड हो रही हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब हम इसको इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं।
एक यहाँ पे सेटअप दिखा रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म करने के लिए। ये वी टेक ए लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड मीन्स प्लास्टिक और क्लॉथ कवर्ड फ्लेक्सिबल वायर एंड एन आयरन नेल। तो ये आयरन नेल है और यहाँ पे प्लास्टिक से कवर्ड है या फिर इंसुलेटेड है। एक वायर लेते हैं, वाइंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल। कॉइल की फॉर्म में इसको हमने वाउंड कर दिया। कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द वायर टू टर्मिनल ऑफ ए सेल थ्रू ए स्विच। हमने यहाँ पे स्विच के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया, सर्किट क्लोज हो गई। द कॉइल इन द एबव एक्टिविटी बिहेव लाइक ए मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो थ्रू इट। तो ये जो कॉइल है ये एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करेंट इज स्विच्ड ऑफ द कॉइल जनरली लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म। सच कॉइल्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये जो कॉइल है ये एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर हम कोई भी सपोज आयरन की पीस यहाँ पे रख दें, आयरन पिंस रख दें, तो ये अट्रैक्ट करने लगेगा इस कॉइल पर। इसका मतलब ये एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। बट अगर हम यहाँ पे स्विच को ओपन कर दें तो इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, लूज कर जाएगा ये, और फिर ये जो आयरन पिंस यहाँ पे हमने प्लेस किया हुआ है वो अट्रैक्ट करना बंद कर देंगी। तो ये इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लूज होने लगेगा, फिनिश होने लगेगा। सो इन दिस वे दिस क्वाइल विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो किस बात पे डिपेंड करेगा? करंट पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। सो इन दिस वे वी कैन फॉर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेट। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।